तो दोस्तों, अब तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन से काफी अच्छी खबर निकलकर आ चुकी है। यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री ने इसका अपडेट मांगा और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने खुद ये अपडेट पब्लिश की है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कितने शानदार अंदाज से कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। गुजरात के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर बुलेट ट्रेन पास हो रही है, आप देखोगे कि काम काफी तेजी से शुरू है। भारी भरकम मशीन्स जो मेड इन इंडिया है, उनकी हेल्प से हमने इतनी तेजी से काम किया है और अब भी जाकर 25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हमने कंप्लीट कर दिया है। वैसे तो हमारा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है 500 किलोमीटर लंबा अप्रोक्सीमेटली, सो लगभग 5% यहाँ पर जितना भी काम था वायाडक्ट का, ये कंप्लीट हो चुका है। रेलवे ने इनफैक्ट काफी सारे डेटा भी पब्लिश किए हैं। गुजरात में 31% अप्रोक्सीमेटली हो चुका है, महाराष्ट्र में 13%, जितना भी फिजिकल काम था कंस्ट्रक्शन का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कोचेस की बात करें, दैट मीन्स रोलिंग स्टॉक, तो 18 ऐसे रोलिंग स्टॉक तो हम जापान से डायरेक्टली परचेज करेंगे 7,000 करोड़ रुपीस में, बट बाकी के जितने भी है सारा हम भारत में ही बनाएंगे। और इनफैक्ट हमारा टारगेट है लोकली मैन्युफैक्चर करके फिर हम इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो, इंडिया कीन टू लोकली मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट बुलेट ट्रेन कोचेस। हमारी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली इन उत्तर प्रदेश वेल इक्विप्ड है विद लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। वैसे इसके ऊपर अब सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जापान के ऐसे एडवांस कोचेस को भला कौन ही दौड़ाएगा, बिकॉज चाइना यहाँ पर काफी सस्ते में दे देगा। सो इसके रिस्पॉन्स में भारत ने कहा कि जितने भी देश है साउथ ईस्ट एशिया, इवन यूरोप एंड यूएस, ये प्रिफर करेंगे इंडियन कोचेस का रादर देन चाइना। और होपफुली अब आने वाले समय में क्लेम किया जा रहा है कि 2026-27 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। शायद ये सपना और जल्दी साकार हो, इसी की हम अपेक्षा करते हैं। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।